हे नाथ नारायण। आज मेरा गोविंद शहर से अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके आ रहा है। आपके नाम पर मैंने उसका नाम गोविंद रखा है। बस एक राधा से बहू मिल जाए, जिस दिन मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, आपकी राधा भी आपके पास आ जाएगी। नहीं तो आप अकेले रहेंगे। अकेले नहीं, दुकेले। भगवान सबकी सुनते हैं। गॉड इज ग्रेट। तो है मनीष जी, पर ये क्या कोट पैंट सर पे हैट? माँ जी, यू नो गोविंद बाबू इज कमिंग एंड देयरफॉर फेस बदल, भाषा बदल, मगर आई एम रेडी। वेयर इज रामू? रामू क्यों बे, दिखाई नहीं देता? वेयर इज योर आईज? कहाँ है आंखें तेरी? मेरी आंखें थल्लों की तरफ। और मेरी? मुनीम जी, और आपकी चश्मे के भीतर। दरअसल बात है मुनीम जी, क्या हो गए बुढ़े? बुढ़ा होगा तेरा बाप, मैं तो बिल्कुल नौटंकी का मस्करा। खाते हैं भीम की तरह और सोते हैं कुंभकर्ण की तरह और चलते हैं फ्रंटियर मेल की तरह। और मुझे भैया सामान। वेलकम, टांगा इज वेटिंग फॉर यू, घर के लिए टू गो होम। रामू, क्या अंग्रेजी बोलते हैं मुनीम चाचा? भैया आप बिल्कुल रेलवे के इंजन की तरह चक 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 चक। कीप पार्ट, चलो कीप पार्ट, कीप पार्ट करते रहते हैं आप। प्रीत की डोरी क्या हुआ भैया, क्या हुआ? फिर वही आवाज, इतनी मीठी और दर्द भरी आवाज में यहाँ कौन गाता है? अरे गोविंद बाबू, गांव में बहुत सी कोयल है, ये भी कोई कोयल होगी जो कूक रही थी। चल रामू चल। सफर तो ठीक रहा ना? फर्स्ट क्लास माँ, हंसते खेलते आ गया। यस, हंसना खेलना इज गुड एक्सरसाइज। हमारे लिए शाल पसंद है ना? बेटे, तेरी पसंद ही मेरी पसंद है। नीम दादा, आपके लिए छड़ी काम में आएगी। थैंक यू। रामू, हमारे लिए लखनवी कुर्ता। भैया इसकी क्या जरूरत थी? धनो, हमारे लिए साड़ी, अखंड सौभाग्यवती। खास चीज तो भूली गया मां, भगवान गोविंद के लिए जगमगाता हार। गोविंद, एक चीज तू हमेशा भूल जाता है। क्या मां? राधा। राधा बहू के रूप में आ जाए, ये मेरी बरसों की इच्छा है। लेकिन मां, जिस भगवान के नाम पे तुमने मेरा नाम रखा है, वो भी तो अकेले हैं। अकेले हैं तेरे कारण। जब राधा सी बहू इस घर में आ जाएगी तो ये भी अकेले नहीं रहेंगे। लेकिन राधा पढ़ी लिखी और सुशील हो, सुंदर इतनी जैसे सितारों में चांद, जिसे पाकर इस हवेली की शान दुनी हो जाए, अभिमान से मेरा मस्तक ऊंचा हो जाए बेटा। लेकिन राधा के चक्कर में मेरे पेट का चक्कर तो भूल ही गई माँ, बड़े जोरों की भूख लगी। फिर टाल देना मेरी बात, नटखट कहीं का। नटखट मैं नहीं माँ, नटखट वो है तुम्हारे मुरली वाले। ये क्या बेटा, घर आया नहीं कि चल पड़ा शिकार के लिए? कितने अरसे से जंगल नहीं देखा माँ, और फिर तुम ये क्यों भूल जाती हो कि डैडी भी कितने बड़े शिकारी थे? मैं चला मां। जंगल पहुंचने से पहले ही बंदूक तान ली है। देखिएगा गोविंद बाबू, आप जंगल में मैं क्या खेल खेल। क्या बात है मनीष,
जब आपको देखते ही जंगल के जानवरों की छुट्टी हो जाए। बाकी सब कहाँ? I am waiting here and शिकारी काफिला is there. चलिए। सुना है मुनीम चाचा, आपके पिताजी भी बहुत बड़े शिकारी थे हैं? अरे पिताजी क्या, दादा लकड़ दादा जी, फादर ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर। भैया वैसे मुनीम जी भी गीदड़ मार चुके हैं। गीदड़? व्हाट गीदड़? नो, लेपर्ड, लायन इन हंड्रेड। अरे बाप रे, शेर लायन? क्यों मुनीम जी, शेर की आवाज सुनते ही पसीने छूटने लग गए? दरअसल बात ये, मुनीम जी हो गए बुड्ढे। बुड्ढा होगा तेरा बाप। तो मुनीम जी उठाइए बंदूक और चलाइए गोली। वो देखिए वो झाड़ी हिली, उसके पीछे जरूर शेर है। मुनीम जी उठाइए बंदूक, जल्दी गोली चलाइए, गोली चलाइए मुनीम जी। रामू यार, तू इनका ख्याल कर, बोर कर दिया तुम लोगों ने यार। ओके भैया, हंटिंग करने निकले थे। प्रीत की डोरी तुझ संग बांधी, तुझ संग बांधी। प्रीत की डोरी
वो सांप, अभी तुमने मुझे बचाया? मैंने नहीं, भगवान। और वो जो मैंने गीत सुना, वो क्या तुम्हारी आवाज थी? आवाज नहीं, ये तो मेरे मन का भेद है। लेकिन तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? मुझे नहीं जानते बाबूजी, मेरा नाम है राधा। राधा? राधा बहू के रूप में आ जाए, ये मेरी बरसों की इच्छा है। गोविंद बाबू, मिल गया शिकार। अरे राधा बिटिया, तू नीम चाचा, अगर आज राधा न होती तो गोविंद भी ना होता। क्या कहते हो भैया? हाँ रामू, इसने अभी भी मुझे सांप के काटने से बचाया। सांप? बेटी तेरी उम्र लंबी हो, माँ जी सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी। चल हवेली, चल। चलिए। राधा, आज तूने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। बोल बोल, तुझे क्या चाहिए? बोल राधा, क्या चाहिए तुझे? रुपया पैसा, सोना चांदी, खेत मकान, जो तू मांगेगी वही मैं देने को तैयार हूँ। ना ना माँ जी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। कुछ तो मांग बेटी, इस घर से निराश होकर खाली हाथ आज तक कोई नहीं गया। मैं भी कहाँ निराश होकर जा रही हूँ माँ जी, और फिर बाबूजी की जान से बढ़कर भी कोई दौलत है? ये दौलत आपको मिल गई, मुझे मिल गई। राधा, अगर आप अभी भी नहीं मानती तो मुझे अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। देती रहो बेटी, सुखी रहो। राधा ने मांगा भी तो क्या मांगा, देखा गोविंद? गोविंद जी हाँ, जी हाँ। पारो, क्या बात है राधा, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है। बात ही क्या बात है बेटी, आज बात तुझे? बात ही खुशी की है बाबू, आज सवेरे सवेरे गोविंद बाबू के दर्शन कर। अच्छा, कहाँ? जंगल में, घोड़े पे सवार, बदन पे शिकारी कपड़े, बंदूक हाथ में लिए मुझे पूछ रहे हैं तेरा नाम। मेरा नाम है बांके बिहारी। क्या फुलझड़ी मारी, गए काम से। उस्ताद बच गए, कहीं जरा राधा का हाथ चुक जाता तो तेरे उस्ताद का एक तरफ का बाजार बंद हो जाता। अरे पगली, मेरा बाजार तो बड़ो बड़ो का बाजार बंद कराने के बाद बंद होगा। मेरा नाम है बाकी। घसियारा। राधा। चौधरी, राधा आजकल बहुत सिर चढ़ गई है, जब देखो कुछ न कुछ अनाप शनाप बकती रहती है। क्यों नाराज होते हो बांके, तुम तो राधा का स्वभाव अच्छी तरह जानते हो। हाँ स्वभाव अच्छा। ये लो, बैलों की जोड़ी के लिए तुमने रुपए मांगे थे ना, ये लो नोट। ये रहा बड़ा नोट, अंगूठा अंगूठा। पढ़ाई लिखाई तो फकत नाम की है, गए काम से। अच्छा, राम राम चाहते। राम राम राम। मिठू मेरे लाडले, अब राधे राधे नहीं, बोल राधे गोविंद, राधे गोविंद। गोविंद गोविंद। ये राधा, ये देख। अरे मेरी रानी, पहले मुलाकात में ये हाल है तो आगे जाके क्या होगा? बापू बापू, जो तो
कह रहे थे सही सच है? बिल्कुल सच। अरे बेटा, तुलसीदास जी की बात कभी झूठी हो सकती है? बेटी, अगर ये सच न होता तो सीता राम को कैसे पाती और राधा गोविंद को कैसे? राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। सुना मिट्टू, सीता राम को कैसे पाती और राधा गोविंद? राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। कौन? गोविंद बाबू। राधा, अब तो उनसे बात भी हो गई, अब तो मिठाई खिला दे। लाओ। अब ये मिठाई इन्हें भी खिला दे। राधा, राधा, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। क्यों? तुम्हारे मन का भेद जाने। और अगर ना बताऊं तो? तुम्हें बताना ही पड़ेगा, जबरदस्ती है। अच्छा बाबूजी, आपके मन का भेद क्या है? मेरे मन का भेद कोई नहीं। हाँ, आज तक मेरे मन में अंधेरा जरूर था, मगर सूरज की पहली किरण की तरह एक किरण ने मन में उजाला कर दिया। कौन है वो? कुदरत की सबसे खूबसूरत रचना मेरे सामने खड़ी। बाबूजी। राधा, अब तो बताओ, तुमने किससे प्रीत की डोरी बांधी? राधा के गोविंद से। हरिओम मेरी गंगा जमुना की चलो, बड़ी लचक लचक के चल रही हो क्या? जी, लोच है तो लचक है, रूप है तो पसक है। अरे सुनो, तेरी बातें तो है ऐसी जैसे मिश्रे की डलिया। तो प्यार के पानी में खोल के पी दो। पी दो? तैयार है तैयार। तीन दहाड़े नींद न देखे टूटी खाट, प्यार न देखे दिन और रात। छोड़ो ना, क्या करें। रामू, ओ रामू, कर दिया रंगे थे। क्यों रे रामू, धन्नू, ये सुबह सुबह हाहाही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 
गोविंद भैया। नमस्ते गोविंद भैया। गोविंद बाबू सवेरे सवेरे कहाँ? अब भी नहीं समझे क्या? जवानी की रेंद चली पचली 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 पचली। के सर्कस में पापू पापू कहा? राधा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। क्या मतलब? जो आप समझते नहीं। तुम्हारा मतलब है मैं अनाड़ी हूं? जो चाहे समझ लो। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा।
ना करो। ठीक है। कोई बात नहीं, तुम्हारे होंठों से लग के और मीठा हो गया होगा।
बांके चाहिए बाबूजी? नहीं जाऊंगा। बड़े अकेले आप, जाइए ना, आपके हाथ जोड़ती हूँ। फिर कब मिलोगी? नहीं बता। गोविंद बाबू नमस्ते। नमस्ते बांके, कैसे हो भाई? उठाट की चल रही है, आप तो जानते हैं बाबू, जोरू ना जाता अल्लाह मियाँ से नाता, पर आप सुबह सुबह यहाँ क्या काम से? खेत में गन्ना चूस रहे हैं। ओ चूसिए चूसिए, हमारे गांव के गन्ने बहुत मीठे होते हैं। अच्छा बाबू, राम राम। अंधेरिया है रात, अंधेरिया है रात, सजन रही हो के जइयो, अंधेरिया है रात, सजन रही हो के जइयो, अरे बांके तू, मैं तो समझी थी कोई जानवर घुसाया होगा खेत में। उस्ताद गए काम से, घर में जाओ तो डंडे और खेत में आओ तो पत्थर। अबे 10-7-70, इसके डंडे से भी प्यार, इसके पत्थर से भी प्यार, और लगाओ 2-4। उस्ताद हाथ चलो और मार ले, जितना जी चाहे मार लेना, पर इन गोरे गोरे हाथों में चूड़ियां तो पहन ले। देख तेरे लिए अभी भी शहर से लेके चला रहा हूँ। चूड़ियां तो बहुत ही बढ़िया है बाके, इनको पसंद करने वाले हाथों को तो देखो। आहा, तेरे हाथ भी बड़े सुंदर हैं। बाके मेरी कसम, चूड़िया पहनकर क्या जच रहे हो? ये क्या? उतरिए ना। हाथ उठा लो राधा, मैं कैसे उतर सकता हूँ? एक बार तो राधा का मन रख लीजिए। तुम्हारी गोरी गोरी हथेलियों में देखो कितनी धूल लग गई है। धूल नहीं, मेहंदी रच गई है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? बापू है, गाय है, बछड़ा है और मेरा लाडला। गंगाराम तोताराम, पहले राधे राधे कहता था, अब कहता है राधे गोविंद, राधे गोविंद। माँ वो जंगली बिल्ली। अच्छा अच्छा, सो गया, बड़ी देर हो गई है। हाँ माँ। जंगली बिल्ली। अरे बाप, इतनी रात को मिलने आ गए, अगर माँ देख लेती तो। कल दुनिया देख लेगी तो? दुनिया की कौन परवाह। तब तो बड़े बहादुर हो। ये क्या, मुझे तकिया समझ के रखा है?
लेकिन सहारा तो है। अच्छा ये तो बताओ, अकेले बैठे बैठे क्या लिख रहे थे? गीत लिख रहा था। गीत? सुना क्या लिखा है? अभी पूरा कहाँ लिखा है, सिर्फ एक लाइन, ख्याल अधूरा रह गया। दिल तो अधूरा है, सुना ना। सुनोगे? प्रीत ये पिछले जन्म की आज भी मुस्का रही है, प्रीत वही इस जन्म में भी नया रंग ला रही है। वाह वाह, क्या पिछले जन्म को इस जन्म से मिलाया। अरे तुम तो बहुत अच्छे गीत लिखती हो। हम गांव की लड़कियां लिखती थी, इन्हीं पहाड़ों नदियों झरनों को देखकर हमारे गीत जन्म। अच्छा ये बताओ, तुम पढ़ी लिखी कितना है? बस गांव की पाठशाला तक। हाँ इतना जरूर जानती हूँ, पोथी पढ़ पढ़ जग में पंडित भयानक हो, ढाई अक्षर प्रेम की पढ़े सो पंडित। अच्छा तुम अनोखी, तुम्हारी हर बात अनोखी, तुम्हें समझना बहुत कुछ। Thank you.
पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित हो। मुनीम चाचा आपने भी ढाई अक्षर पढ़े? ढाई नहीं ढाई सौ। मुनीम जी माँ जी ये राय साहब दयाल सिंह की बेटी रीता का खत। रीता का जी क्या लिखा है उसने? लिखा क्या है माँ? कुछ इधर की कुछ उधर की। बाकी आपको नमस्ते। अच्छा अच्छा राम राम मुनि जी राम राम। आओ आओ बोलो संता मैं तुम ही लोगों को याद कर रहा था। ला ला मां ला मैं जमा कर लूं। मार कहा मुनि जी हम पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। आग लग जाने की वजह से हम लोगों के सारे झोंपड़े जलकर राख हो गए। ऊपर से बड़का कम जो बीज बोया था वो मिट्टी हो गया। बस थोड़ी सी हम गरीबों पर और कृपा कीजिए। अगली फसल में पाई पाई चुका देंगे मुनीम जी। हाँ हाँ चुका दिया तुमने। अरे पहले पिछला दो फिर अगला लो। दया कीजिए मुनीम जी दया कीजिए। अरे कह दिया ना एक बार जाओ। ठहरो मुनीम चाचा इन सब के पसीने की कमाई से ही हमारी ये शान और शौकत है। इन्हें जितने पैसे चाहिए दे दो। लेकिन गोविंद बाबू। मुनीम चाचा आसमान के देवताओं की पूजा भले ही न करो लेकिन धरती के इन देवताओं की सेवा जरूर करो। भले हो माई बाप गोविंद मेरे माता पेड़ के लिए छुट्टी कार मिले पैसे तो मैं तेरी खाल से भी वसूल कर लूंगा। बेरहमी से मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? गोविंद बाबू हमारे बीच में ना आओ। ये मेरा और इसका मामला है। ये इंसानियत का मामला है और तुम इंसानियत को छोड़कर हैवान बन गए। कितना पैसा है इसका? क्या बताऊं बाबू जी कुछ बरस पहले खेती के काम में इसे 500 रुपए लिए थे। उसके बदले में बाबू जी मैं इसे 2000 रुपए दे चुका हूँ। फिर भी बाबू जी इसके 500 रुपए खत्म नहीं होते। हराम खोर मेरे पैसे खत्म होने से पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगा। गरीबों को खत्म करना इतना आसान नहीं बाके। हवा के रुख को पहचान जमाना बदल चुका है। कहीं इनकी आहें तुझे ना खत्म कर दें। इसका हिसाब कहां? जी ये गोविंद मेरा खाता मुझे वापस दे। देख लूंगा। हाँ हाँ देख लेना। बड़े आए देखने वाले। गोविंद बाबू आप इंसान नहीं देवता हैं। ये क्या आप तो मेरे पिता के समान हैं। गोविंद बाबू मंगलू भैया सब पैसे वाले गोविंद बाबू जैसे हो जाएं तो किसी घर में भी दुख का अंधेरा न रहे। अरे अभी अंधेरे के दिन गए अब तो घर घर में रोशनी होगी और खुशियां मनाई जाएगी। धन्य गोविंद बाबू धन्य। अरे रुक क्यों गई? वो देख गोविंद बाबू इसे कहते हैं प्यार जिसे देवी माँ से मांगा वही सामने आ खड़ा हुआ। कह दो उनसे तुझे मेरी कसम। अरे बोल गोरी बोल तेरा कान पिया। अरे बोल गोरी बोल तेरा कान। अरे गांव की कनिया फौज बिमला तारा सुबह पारो और राधा इतनी शाम को कहाँ से आ रही तुम लोग? देवी माँ की पूजा करके। आज हमारा व्रत है। अब बर्त ना बरताने का भूख लगी तो प्रसाद खाने का। भगवान करे तेरी शादी हो जाए और 25 बच्चे हो जाए। हाँ इनको भी खिलाओ ना। तू भी प्रसाद दे दे वरना व्रत का फल नहीं मिलेगा।
नहीं होता नहीं होता दम नहीं होता हाँ, होता है। और फिर मेरे बाबूजी में तो दम भी है, खम भी है और सरगम भी। सरगम तो तुम्हारे स्वरों में है। सुनो राधा, कल तुमने सबके सामने मुझे हार पहना दिया। बाबूजी, प्यार तो मैंने चोरी चोरी किया, अगर हार भी चोरी चोरी पहनाती तो मेरी हार ना हो जाती। लेकिन हार पहनाने का मतलब समझती हो? लड़कियों को भी नहीं समझती। बुद्धू, तो आप ही समझाइए ना ज्ञानी जी। देखो, जब कोई लड़की किसी लड़के को हार पहनाती है तो वो उसे अपना अपना क्या तुम समझी नहीं, वो उसे अपना बताने में शर्म आती है। बुद्धू, मैं बताती हूँ। तो वो उसे अपना पति मान लेती है और फिर मैं तो तुम्हें 7 जन्म से मांगती आई। राधा, बाबू जी, जिन पहाड़ों, नदियों, झरनों, फूलों और खेतों को देखकर मैं हमेशा खुशी में खेलती रही, कहीं उन्हें देखकर मुझे आंसू तो नहीं बहाने पड़ेंगे? नहीं राधा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुम्हें रोना पड़ा तो ये बहार, कुदरत का हर नजारा मुरझा जाएगा। मुझ पर विश्वास रखो राधा। राधा के बिना गोविंद गोविंद नहीं, और गोविंद के बिना राधा राधा नहीं। काम से गए, बे मौत मारे जाओगे। बिरजू, तू नहीं समझता, ये देखकर मेरी छाती पर सांप लौट रहे हैं, बिच्छू डंक मार रहे हैं। तो उस्ताद एक काम करो। क्या? जिससे चाकू भी तुम्हारे बगल में रहे और राधा भी। वो कैसे? सुनो, चलो चलो, इधर नहीं, इधर मार। चलो चलो चलो। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मेरी राधा। हाँ हाँ, बिल्कुल गंगा की धारा है। कै काम से उस्ताद, भला सुनार अपने सोने को खोटा बोल सकता है? बिरजू, बिरजू पर तू लाल पीले हो रहे हो, पूछ लो अपनी लाडली से। राधा, राधा, मैंने जो कुछ बांके से सुना, क्या ये सच है कि तू गोविंद बाबू से? बोल। हाँ, सच है। चौधरी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। गोविंद और राधा की प्रेम लीला कल को रास लीला बन जाए, उससे पहले इसे रोक लो। ये तो मेरा नाम बाके बिहारी। गए काम से। राधा बेटी, तूने ये क्या किया? कम से कम अपनी बिसात तो देख ली होती। खोपड़ी के तिनके लाख कोशिश करने पर भी उड़कर महल तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन बापू, उनके मन में महल और झोपड़ी का कोई भेदभाव नहीं। गोविंद बाबू तो देखता है
बेटी, हर बड़ा आदमी शुरू शुरू में देवता ही होता है, लेकिन उसके बाद। नहीं बापू, बचपन से ही जिस आत्मा से मैंने मन ही मन प्रीत की डोरी बांधी है, वो इतनी गिरी हुई नहीं हो सकती। उन्होंने मुझसे ब्याह करने का वचन दिया है। ब्याह का वचन? हाँ बापू, माँ जी तो उसी दिन कह रही थी जो चाहे मांगो। ठीक है, मैं अभी हवेली में जाकर उनकी माँ से मिलता हूँ। मालकन, तुम्हारी बेटी राधा कितनी अच्छी लड़की है, जैसा रूप वैसा गुण। उस दिन उससे मैंने कितना कहा कुछ मांग ले, लेकिन उसने कुछ मांगा ही नहीं। अब तुम्हें जो कुछ चाहिए मांग लो माधव। मालकन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी को अपनी ममता के छांव में रख लीजिए। मैं अपनी ममता तो उसी दिन उस पर निछावर कर चुकी थी माधव, और कुछ मांगो। मालकन, आप कितने दयालु हैं। मैं सोच क्या रहे हो माधव, जो मन में आए मांग लो। मालकन, आप मेरी बेटी को अपनी बहू बना लीजिए। माधव, अब समझी, तुम कुछ मांगने नहीं, मेरे बेटे की जान बचाने के बदले में सौदा करने आए हो। सौदा? ये सौदा नहीं तो और क्या है। मैं पूछती हूँ मुझसे ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसका जवाब पूछिए अपने बेटे गोविंद से, जिसने मेरी बेटी के साथ ब्याह करने का वचन दिया। ये सब झूठ है। ये सब सच है माँ। गोविंद! हाँ माँ, राधा में वो सभी बातें हैं जो तुम चाहती थी। यही सोचकर मैंने उसे जीवन भर अपने साथ रहने का वचन दिया। ये वचन तोड़ा नहीं जा सकता है, कहा तू कहा वो, रिश्ता बराबरी वालों में होता है। लेकिन माँ, क्या गरीब होना पाप है? क्या गरीब की जिंदगी जिंदगी नहीं? नहीं, गरीब सिर्फ गरीब है। दौलत के सामने गरीबी की क्या कीमत? गरीबी की कीमत तो राधा ने मेरी जान बचाकर उसी दिन दे दी थी माँ। माधव काका की बात मान लो, राधा को अपना लो माँ। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। माधव, निकल जाओ यहाँ से। ये कभी भूल कर भी इस हवेली में पाँव न रखना। जाओ। नहीं रखूंगा। आपको आपकी हवेली मुबारक हो। अगर आप किसी लड़की की माँ होती तो समझती एक बेटी वाले के दिल पर क्या गुजरती। माधव, याद रखिए, जिस तरह मैं आपके दरवाजे से नाउम्मीद होकर जा रहा हूँ, कभी आपकी जिंदगी में ऐसी घड़ी ना आए कि आपको भी मेरी तरह मजबूर होना पड़े। माधव काका, इन्हें रोको मत, कहीं गरीब के आंसू दौलत की झूठी दुनिया में तूफान न खड़ा कर। चुप रहे, मुझे ऐसे तूफानों की परवाह नहीं। लेकिन माँ, क्यों अपनी जिद से मेरे अरमानों का खून कर रही हो? राधा मेरे रोम रोम में बसी हुई है, वो मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है। वो कुछ नहीं है। मत भूल गोविंद कि मैं तेरी माँ हूँ, और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। माँ, गोविंद, मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लगी है। जानता है मिट्टू बापू कहाँ गए? हवेली, मेरे बारे में बात करने के लिए। देख, जिस दिन मैं उनके चरणों की छाया में जाऊंगी, तुझे भी साथ ले जाऊंगी। बापू, मैं जानती हूं बाजी ने जरूर हां कर दी होगी। बड़ी दयालु है, कभी ना नहीं कर सकती। उस दिन तो मुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हो गई थी। बापू, बोलो ना, क्या बात हुई? ये क्या, तुम रो रहे हो बापू? क्या हुआ? बोलो बापू, क्या कहा मां जी ने? जो हर बड़ा आदमी छोटे को जवाब देता है, तेरा गरीब बाप कांटों की भीख लेकर वापस आ गया। लेकिन गोविंद बाबू ने क्या कहा? कहते क्या, माँ ने बेटे की जबान बंद कर दी। बेटी,
ये सपनों का झूठा संसार रचा कर तू अपनी प्रीत की डोरी कहां बांधने गई थी। भूल जा गोविंद बाबू, समझ ले उनका प्यार झूठा था। कैसे भूल जाऊं बाबू, तुमने उस दिन क्यों कहा था कि जिसका जिस पर सच्चा प्यार होता है वो उससे जरूर मिल जाता है। बोलो बाबू, क्यों कहा था? अपनी तकदीर का तमाशा देखने के लिए। बेटी तुझे कसम है अब गोविंद बाबू से कभी न मिलना, मेरी पगड़ी की लाज रखना। अब आप ही बताइए पिताजी, मैं मां को कैसे समझाऊं? तुम तो जानते हो गोविंद, तुम्हारी मां बहुत जिद्दी है, इसलिए तुम मुझसे वादा करो मेरे मरने के बाद कुछ कभी दुख न दोगे, उसकी हर बात मानोगे, उसकी हर खुशी को अपनी खुशी समझोगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा, तुम अपने फर्ज के रास्ते में हमेशा हमारे की तरह खड़े रहोगे। जाने दो माँ, राधा मुझे बुला रही। राधा राधा राधा, फिर वही पागलपन? ये पागलपन नहीं, मेरा प्यार है माँ। मैं राधा को कभी नहीं भुला सकता। तुझे भुलाना ही पड़ेगा, राधा नाम रखने से वो आहिर की बेटी वो राधा नहीं बन सकती जो मैं चाहती। तू अपने को देख, तू किसका बेटा है, मेरा खानदान क्या है? सच्चे प्रेम की दुनिया में न कोई खानदान है न मर्यादा है माँ। तो उस फूल की तरह है जिसकी खुशबू छोटे बड़े अमीर गरीब सबके लिए। प्रेम तो गीता है, रामायण है, गंगा है। ये तू नहीं, तेरा अंधा प्यार बोल रहा। तू ये मत भूल, तेरी नसों में मेरा खून है, तेरे बाप दादाओं का खून है। पर भी विश्वास नहीं आता तो आ, आ मेरे साथ। क्या कभी इन्होंने मर्यादा को तोड़कर किसी से प्रेम किया है? तो इनकी दुहाई देकर अपनी ममता का गला घोट रही हो माँ। माँ तुम मुझसे न्याय नहीं अन्याय कर रही। गोविंद, तूने आज अपनी माँ के मुंह पर खूब तमाचा मारा। एक राम थे जो अपने सौतेली माँ के कहने पर 14 वर्ष वन में चले गए थे, और एक तू है माँ। मुझे आज ऐसा लग रहा है मेरा बेटा मेरा नहीं, मेरा सब बदल गया है। ये समाज, ये रिश्तेदार सब मुझ पर हंसेंगे, मेरे मुंह पर थूकेंगे, लेकिन वो वक्त आने से पहले मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। मर जाने दे मुझे, आज पूरा प्यार दिए जाना। मेरी कसम है माँ, आज से तू राधा से नहीं मिलेगा। जहां मैं चाहूंगी वहीं तू शादी कर। तुम मुझसे वादा करो मेरे मरने के बाद उसे कभी दुख न दोगे, उसकी हर बात मानोगे,
उसकी हर खुशी को अपनी खुशी समझोगे। ठीक है मां, हमारी जिंदगी रहे, हवेली की शान रहे, खानदान की आन रहे, गोविंद की खुशी रहे न रहे। मुनीम जी, जी अब हम शहर वाले मकान में रहेंगे, कल ही चलने की तैयारी करो। बहुत अच्छा माँ जी। हाँ पारो, मैं माँ के साथ शहर जा रहा हूँ और न जाने कब लौटूंगा। मेरा एक काम करो, जरूर राधा से जाके कह दो कि मुझे स्टेशन पे आके मिल जाए जल्दी। अरे हो धन्नो, जल्दी कर जी, जल्दी कीजिए, गाड़ी का टाइम हो रहा है। मैं से भी भेजती हूँ। राधा, गोविंद बाबू अभी भी माँ के साथ स्टेशन गए हैं, जा एक बार में मिला। सोच कर रही पगली, जाना। कैसे जाऊं पारो, बापू ने उनसे ना मिलने की सौगंध जो दी है। अरे पगली, एक द्वापर की राधा थी जो सारी दुनिया के लोग लाज छोड़ के अपने गोविंद में लीन हो गई थी, और एक तू है, कैसा पत्थर का कलेजा है तेरा। जा राधा जा, गोविंद। आइए चला जा। चल आइए मुनीम जी। चल बेटा बैठ जाना। आ बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। अरे ओ मेरी गंगा जमुना की धन्नो, क्या सोच रही? अजी यही, बड़े घर की बड़ी बातें। बड़े घर की बड़ी बातें? हाँ, दिए तले अंधेरा, माँ जी भी तो राधा को छोड़कर रीता के साथ आ गए महादेवी। नमस्ते साहब। नमस्ते रीता जी। नमस्ते। बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास है जी। ये क्या है? अजीब, तुम कहाँ चले? जान मेरी धनुआ का मनुआ चले। नमस्ते राय साहब। गुड मॉर्निंग। मुनीम चाचा, गोविंद कहाँ है? ऊपर बाजा बजा रहे हैं, प्लेइंग पियानो। डार्लिंग, मेरा नाम राधा नहीं, रीता है। गांव में जाकर मेरा नाम भी भूल गए। मुझे माफ करना। जा, माफ किया। गोविंद, जैसे ही मुझे पता चला कि हुजूर वापस आ गए हैं, मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। टच में मैं तुम्हारे इस हसीन चेहरे को देखकर कभी कभी सोचने लगती हूं। पूछो ना, क्या सोचने लगती हूं? क्या? तुम्हारे लिए मेरी ही तरह इस शहर में कितनी लड़कियां दिल थामे बैठी हैं, तो गांव में भी जरूर कोई। रीटा, हाय क्या तड़प से कहा है रीटा, इतनी तड़प भरी आवाज तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। मैं समझ गई, ये सब मेरी दर्द जुदाई का नतीजा है। हाय, इश्क वो आतिश है गालिब, जो लगाए न लगे
बुझाए न बुझे। बाबूजी राधा, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। चुप हो जा, छोड़ दे ये रोना। अगर रात दिन हर घड़ी रोती रही तेरी आंखें चली जाएंगी। आंखें चली जाती तो अच्छा होता बापू, मैं अब किसी में किसी और को तो ना देखती। मेरी बच्ची। खाना खाना, मुझे भूख नहीं। तुम्हारा तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन इस तरह खाना नहीं खाओगे तो काम कैसे चलेगा? भगवान के लिए थोड़ा खाओ। तुम लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? ले जाओ उसे। गोविंद, ये क्या नाटक लगा रखा है? नाटक मां, जिंदगी तो खुद एक नाटक है। माँ जी, मुझे ज्यादा कहने का हक नहीं है, लेकिन मैंने इस घर का नमक खाया है, गोविंद बाबू को बच्चे की तरह खिलाया है। कहना क्या चाहते हो? कल कहीं ये जख्म नासूर न बन जाए, इसलिए बेहतर ये हो कि आप जल्द से जल्द कहीं गोविंद बाबू की शादी कर दीजिए। घर में बहुरानी आ जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। कौन? दिल के आईने में देख लो तस्वीर यार की। रीटा, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी जाने मन। क्यों? अरे, ये क्या कर रही हो? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं हंसी, तुम जवाब। ओहो, अरे रे रे, कहाँ चले? छोड़ो मुझे, मैंने हाथ पकड़कर छोड़ना नहीं सीखा। तुम पागल तो नहीं होगी? डार्लिंग, जो मोहब्बत पागल न करते वो मोहब्बत ही क्या है? आओ मेरे साथ। कहाँ? आओ ना, देखो गोविंद, ये वो जगह है जहाँ हर लड़की शादी से पहले अपने होने वाले पति के साथ आती है। वो देखो, मोहब्बत के नशे में चूर, दुनिया से दूर, हर जोड़ा अपने रोमांटिक पोज में। डार्लिंग, ये बताओ तुम्हें क्या पसंद है? रूप है, रंग है, फूल सा अंग है, और से है।
सैंडल। तुम दोनों यहाँ क्या करने आए? जो आप करने आई है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप शादी से पहले और हम शादी के बाद। शट अच्छी, आप दौड़ ही लगाते रहोगे या कुछ खिलाओगे भी? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। चूहे तो मेरे भी पेट में दौड़ रहे हैं। जन्म पत्रिका नहीं, कुछ खाने को लाओ, जल्दी जल्दी लाओ। कैसा खाना? गले जी मुर्गी मुर्गा, गले जी मुर्गी मुर्गा, अंडा रोटी चावल दाल भाजी, रोटी चावल दाल भाजी, कुछ ले जाओ जल्दी। क्विक क्विक क्विक। अरे भाई खाना लाओ, ये क्या ला रहे हो? पानी ला रहे हो क्या? पानी खाएंगे हम? क्या किया तुमने? क्या है ये? अरे तो काटा है। ओ शाबाश यार, ऐसा मत रखो, ये रखो, लाओ इधर लाओ, तुम भी अंडा खाओ और मैं भी अंडा खाऊंगा। खिड़कियाँ बंद, दरवाजे बंद, हवा बंद, ऊपर से कहते हैं हवादार। ये ले अपने पैसे। मेरा क्या देखता है? अपना माल सामान अपने समझ के देख रहा हूँ। एक रुपया चांदी का है और राज यहाँ पर चांदी का है। ठहरिए ठहरिए, पूरा बिल दीजिए। पूरा जी। गोविंद, रीता बड़े खानदान की लड़की है, पढ़ी लिखी है, सुशील है, बिल्कुल राधा जैसी। मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। रीता तुझे पसंद है ना? पूछने की क्या जरूरत है माँ, तुम्हारी पसंद मेरी पसंद है। राधा, 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 बेटी क्या हुआ? बेटी क्या हुआ बेटी? आज राम सारा बदन बुखार से तप रहा है, वैसी हालत में पानी लेने क्यों गए थे? तेरा बाप मर गया था। उठ चल बेटी, पता चल, उठ उठ, यह सब भाग गया। भगवान, मेरी बेटी को इतना दुख क्यों दे रहे? ले जल्दी ले। घबराना बेटी, तुम बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे। मैं भी बहदाज को बुला के लाता हूं, मैं भी बुला के लाता हूं। आइए बच्ची। चौधरी, वैद्यराज को लाए हो? राधा की? बेकार, बिल्कुल बेकार। अरे उसे तो प्रेम रोग हो गया है और उसका इलाज तो उस्ताद के पास है। ऐसा मंत्र पढ़ के फूंक देंगे कि सारा रोग छू मंत्र। बड़ा भिजू गए काम से। बाकी
राधा की हालत अच्छी नहीं। अरे हालत से बेहालत तो मेरी बना रखी है उसने। कब से खून के घूंट पी रहा हूँ, लेकिन अब फैसला कर लिया मैंने, शादी की शहनाई बजा कर ही रहूंगा। आंखें किसे दिखाते हो? मैंने तुम्हारा कुछ खाया नहीं, तुम्हें खिलाया है। तुम्हारा बाल बाल मेरे कर्जे में बंधा हुआ, तुम्हारा ये घर बार खेत खलियान सब मेरे पास गिरती है। अरे बेटी ये क्या किया, बुखार की हालत में यहाँ क्यों आ गई? क्या तुमने सचमुच बाकी के पास से कर्जा लिया है? हाँ बेटी, मजबूरी में ही मैंने पैसा लिया है। ये अच्छा नहीं हुआ बाबू, तुमने इस राक्षस के हाथों अपने को क्यों फंसा लिया? जिससे तू सारी उम्र मेरे हाथों में फंसी रही। जबान संभाल के बात करो बल्कि, तुमसे कर्जा लिया है, अपने आप को बेचा नहीं है। मेरे जीते जी मेरी बेटी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? सुना रे बिरजू, ये घी सीधी उंगलियों नहीं निकलेगा। तो उस्ताद उंगली टेढ़ी कर लीजिए। ठीक है, मैं आज ही रात को पंचायत बुलाता हूँ चौधरी, और फिर देखना बाजी किसके हाथ होती है। माधो चौधरी, आदमी को अपने औकात देखकर ही चलना चाहिए। तुम्हारी बेटी आसमान पर उड़कर चांद को पकड़ने दौड़ी थी, ये सब उसी का नतीजा है। आज सारी बिरादरी में तुम्हारे नाम पर थू थू हो रही है। अब तुम्हारी बेटी को कोई भी अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं। चौधरी, इस बदनामी को रोक लो और राधा का विवाह बांके के साथ कर दो। बांके के साथ? आहा, तो बांके में कौन सा दोष है? और तुम ही अपने दिल से पूछ लो कि बांके ने सुख दुख में रुपए पैसों से तुम्हारा साथ नहीं दिया? जरूर दिया है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। मुझे परमेश्वर के सामने जवाब देना है। बस, पंच भी परमेश्वर होते हैं। हम सबका ये फैसला है कि तुम जल्द से जल्द राधा को डोली में बिठाकर बांके के घर भिजवा दो। नहीं तो याद रखो, तुम्हारा हुक्का पानी बंद करके तुम्हें जात बरादरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। चलो पंचो। देख लिया माधव चौधरी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। लो बेटा, अब ये अंगूठी रीता को पहना दो। सगाई मुबारक। गोविंद बाबू, सगाई मुबारक। सगाई मुबारक। सगाई मुबारक। सगाई मुबारक। इस तरह महफिल से घबरा कर चले आए, तुम भी चले आए और मैं भी चली आई, और फिर ये तन्हाई। डार्लिंग, दिल से दिल को राहत होती है, तभी तो तुम मुझसे मिले। आज सगाई भी हुई और कुछ दिनों के बाद शादी भी होगी, और फिर जानते हो क्या होगा? नहीं। बड़े नादान हो, इतना भी नहीं समझते? वो देखो। नम गणपते गुंग हवा भई ओम प्रिया नामक। अरे माधव भैया, लगन का शुभ मुहूर्त हो रहा है, बिटिया को ले आओ। बहुत अच्छा। गए काम से। मुंह टेढ़ा है, कभी कभी बात तो सीधी किया कर। इस वक्त बोल पाऊ बारा, काम होके रहेगा, होके रहेगा, काम होके रहेगा, काम होके रहेगा। गए काम से। दरवाजा खोलो बेटी, दरवाजा खोलो। राधा, राधा, अपने बूढ़े बाप को किसके सहारे छोड़कर जा रही थी?
बापू मैं भाग के से प्यार नहीं करूंगी बापू नहीं करूंगी। बेटी कुछ तो सोच, घर पे बारात आई है, लोग क्या कहेंगे, मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगा। बापू इस पत्थर दुनिया ने तो मुझे उनकी जड़ों से अलग कर दिया, अब क्या मुझे मरने भी नहीं देगी? राधा अगर माँ होती तो मेरे दुखी पल की सुनती, मुझे सहारा देती, लेकिन आज माँ के मेरे में बिल्कुल बेजार हूँ। ऐसा न कह बेटी, ऐसा न कह, तू ही तो मेरी सब कुछ है, तेरे हर आंसू पर मेरी सौ सौ जान कुर्बान। बेटी चल हम दोनों इस गांव से भाग चले। हाँ चल तू यही था, मैं भी राधा ले अपने मिट्टू को भी लेती जा, पारो जा पहन जा, भगवान तेरी रक्षा करे। चल बेटी चल, आगे बेटी जाओ चाचा जा, जा, जल्दी निकल जाओ, मैं सबको संभाल लूंगी। भगवान तुझे सुखी रखे बेटी, चल बेटा चल चल चल। उस्ताद गए काम से। हाँ मेरा मतलब है मंत्र ही मंत्र गूंज रहे हैं, दुल्हन का तो कहीं पता ही नहीं है। अरे तू मेरा मुंह क्या देख रहा है, जा भीतर राधा को ले आ। रे सोन अगर कोई गड़बड़ करे तो दुशासन की तरह द्रौपदी की बच्ची को खींच के ले आ बाहर। गए काम से, अभी लाता अभी लाता। गए काम से। अरे क्या बात है पारो, आज तो तू बहुत सुंदर लग रही है। भाई को बहन हमेशा ही सुंदर लगती है। गए काम से। अरे बहन बहन तो समझे, राधा की शादी होने दे, उसके बाद देखना तू और मैं और तू, और तू और मैं और तू। मैं का बच्चा जाता किधर है? जाता किधर है? दुशासन बनकर द्रौपदी को लेने, मेरा मतलब है राधा को लेने। राधा चिड़िया फुर। चिड़िया फुर क्या मतलब? राधा का है मतलब गए काम से। गए काम से? अरे मैं पूछता हूँ राधा किधर है? राधा किधर है? ले चवन्नी तेरा ठेवा है। राधा अरे मैं कहता हूँ राधा किधर है? मेरा मकान जिधर है? उस्ताद गए काम से। गए काम है? चिड़िया फुर फुर। क्या बचता है उस्ताद? राधा और उसका भाग दोनों भाग गए। मैं भी देखता हूँ मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाते हैं। आओ आओ मेरे साथ चलो चलो। कहाँ गुल हो गई? चलो 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 उस्ताद क्या है वो रही। हाँ चलो चलो चलो, चलो। अरे आओ आओ भैया हाँ वो देखो। अरे भाई चलो चलो सिंगल डाउन करवाओ। कहे काम तो पैक डाउन नहीं अब करवाओ। क्यों? तभी तो गाड़ी रुकेगी। अच्छा अच्छा गाड़ी वाले गाड़ी वाले।
के चरणों में आकर अब तुम किस्मत के मारे नहीं भगवान के प्यारे हो। ये तुम्हारी ये मेरी बेटी राधा है। राधा, आहा, साक्षात राधा का रूप है। ये भगवान का मंदिर है, तुम यहां जब तक चाहो रह सकते हो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आओ मैं तुम्हारे रहने की जगह बता दूं। और ये देखिए माँ जी, एक से एक बढ़िया साड़ी, लखनऊ वाली, बनारस वाली, बंबई वाली, सारी लाली इसमें डाली। और ये देखिए माँ जी, लेटेस्ट डिजाइन के कहने, इनके क्या कहने हैं। और ये देखिए, नौलक्का हार से भी बढ़कर नायाब हार माँ जी। बहुत अच्छा, ये हार तो गोविंद शादी के दिन ही रीता को पहनाएंगे। तो मैंने चोरी चोरी किया, अगर हार भी चोरी चोरी पहनाती तो मेरी हार ना हो जाती। मुझ पर विश्वास रखो राधा, राधा के बिना गोविंद गोविंद नहीं। गोविंद, कहां गए तुम्हारे वो वचन, कहां गए तुम्हारे वो वादे? तूने ये भी ना सोचा कि तेरे बिना राधा का क्या होगा, तेरे बिना वो मासूम कैसे जिएगी? देखा, घड़ी भी सच्चाई की गवाह है, तेरे दिल की हर धड़कन की तरह इसकी टिक टिक की आवाज भी तुझसे कह रही है। तूने संसार की परवाह की राधा की नहीं, तेरा प्यार एक फरेब है, धोखा है। नहीं, याद रख, राधा का चैन छीन कर तू भी चैन से न रह सकेगा, कभी चैन से न रह सकेगा, कभी चैन से न रह सकेगा। मुझे ऐसे लगा जैसे गोविंद बाबू। ऐसा ना कर बेटी, ऐसा ना कर। गोविंद, गोविंद, आंखें खोल बेटा, देख माँ तुझे बुला रही है। प्लीज, मरीज के पास शोर करना ठीक नहीं। डॉक्टर साहब,
गोविंद मेरा इकलौता बेटा है, चाहे जितना रुपया खर्च हो जाए मेरे गोविंद को जल्दी अच्छा कर दीजिए। डॉक्टर साहब, इसकी शादी होने वाली है, एक माँ के आपसे यही प्रार्थना है, मेरे बच्चे को जल्दी अच्छा कर दीजिए डॉक्टर साहब। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मिस्टर गोविंद की जान बच गई। उसे पैर पर असर हुआ है, इनको ठीक होने में कितना समय लगेगा ये मैं आपको नहीं बता सकता। डॉक्टर साहब। अच्छा तो हम लोग चलते हैं, हमारे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बताइए। बस आशीर्वाद दीजिए राय साहब। चलो चलो खाली गोदी वाला, चलो 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 उतारते जाओ। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, सुबह ऐसे ही चले आए थे। तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। अच्छा अच्छा खाना खा। लो बापू खाओ। पहले बेटी फिर बाप। पटाजी जल्दी से फटाफट एक मर्दाना पान लगाओ, देखी काला पीला ठंडक सो पिलाईची। अरे बात बात, दो पैसे में क्या पंडित की दुकान लूट लेगा। अरे नहीं नहीं प्यारे, खाओ ऐसा पान खिलाओ कि जिससे मस्ती आ जाए। अरे जी अब पंडित ऐसा पान खिलाओ के खाए के मस्ती आ जाए। मस्ती के साथ साथ मस्तानी भी आ गई। गए काम से किधर राधा। फूल गए मेरी तकदीर के टांके मेरी चुड़िया, उस दिन मैं तेरे पंखों को उड़ान देकर पहचान गया था। फिर तू जाएगी कहाँ? चल घर घर छोड़ दे मुझे। किसी पराई बहू बेटी को छेड़ते में शर्म नहीं आती। पराई बहू बेटी नहीं है, मेरी बीवी है। बीवी? बीवी है हाँ, और ये उसका भाई। बड़ी खुशी। अरे मारो गोली, खुशी को लुगाई मेरी चली जाएगी। चलो उस्ताद। हाँ। सोने का अंडा। अरे मस्तक में डंडा। अंडा कहाँ? अंडा सब। अरे सोने की चिड़िया उड़ी जा रही है, चल चल ना। तूने काका जल लगाया। खूबसूरत मेरे सपनों की रानी। ब्याह करोगे मुझसे? ब्याह तुमसे जरूर। चलिए अभी चल के कोर्ट में निपटा लेते हैं। चलिए ना। मेरे पीछे बड़े भाई आ रहे हैं। बड़े भाई? उनसे पूछ लो। मगर अपना पापा पापा पता तो बताती जाओ तेरे की। बड़े भाई से निपट लेता हूँ। मेरे होने वाली बीवी के बड़े पापा पापा भैया और मेरे साले साहब नमस्ते। क्या बकते हो? अभी तुम्हारी बहन तो शादी की बात करके गई। बहन होगी तेरी। गए काम से उस्ताद। बेटे काम के थे कब जो गए काम से। इधर तो रास्ता बंद है, कहाँ से फिर होगी? फिर अरे क्या फिर होगी? मिल गई। हाँ ये फिर जो है? उस्ताद के साथ मजाक करता है। उस्ताद मजाक तो किस्मत आपसे कर रही है। औरत चाहे लकड़ी की हो चाहे पत्थर की, आखिर है तो औरत। हाँ जो तो ठीक कहता है, औरत तो आखिर औरत ही है। औरतम औरतम हरिओम तत्सत। महाराज ये चुमटा? चुमटा नहीं, चुमटानंद का शिष्य स्वामी राधानंद। जय हो महाराज राधानंद जी की जय हो। महाराज मेरी राधा मुझसे मिलवा दीजिए, कृपा कीजिए। दुख भंजन भंजन
आंख फोड़ अंजन, दांत तोड़ मंजन, अलख निरंजन। हाँ हाँ महाराज, फिर चुमटा। चुमटा नहीं, ये प्रसाद है। बच्चा क्या नाम है तेरा? महाराज मेरा नाम बिरजू है। हाँ हाँ, तू चुप बैठ, बांके बिहारी। उमड़ उमड़ कर, घुमड़ घुमड़ कर घी घटाए काली। काली नहीं महाकाली। काली महाकाली, तेरा वचन न जाए खाली। राधा ने नहीं, राधा। अरे कहाँ गई? सही कहाँ गई? अरे कहाँ गई? अरे उसे उसे क्या पूरे अरे पूरे क्या तू पूरे पकड़ लिया। साधु बंदर हमें बनाना चाहती थी हैं उस्ताद। सब असली है महाराज। अलग निरंजा महाराज, राधा का पता तो बताते जाओ। पहले मैं देखूंगा। अरे महाराज बच्चे, कल्याण हो बच्चा। आह क्या है दोनों की जोड़ी निराली, मगर ग्रहों का खेल, घी की जगह तेल, देवी की गोद है अभी तक खाली। खाली नहीं, बिल्कुल खाली साधु महाराज। तुम भी हो बिल्कुल खाली। इनकी कोई नहीं घरवाली। बिन घरनी घर है भूत का डेरा। चिड़िया रैन बसेरा, हरिओम तस्सत, हरिओम तस्सत। मुनीम जी। माँ जी। साधु महाराज। माँ जी, ये मामूली साधु नहीं, पहुँचे हुए महाराज है। सूरत देख के सब कुछ बता देते हैं माँ जी। धन्य हो, धन्य हो महाराज। दया करके मेरा भी दुख दूर कीजिए। दुख? दुख तो गरीबों को होता है। इतना बड़ा मकान, लाखों की आप मालकिन, पैसे के बल पर आप दूसरों की किस्मत बना सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं, फिर भी आप दुखी। मैं सच कहती हूँ, मैं अपना दुख आपको बताती हूँ। आइए चलिए मेरे साथ, आइए। चंद्रमा को कलंक लग गए, घोड़े से गिर पड़ा था। आज मेरी लाखों की दौलत काम नहीं आ रही। महाराज आप ही इसे आशीर्वाद दीजिए कि ये अच्छा हो जाए, जल्दी अच्छा हो जाए। ये क्या महाराज, मुझ बदनसीब के पांव पे आपके आंसू? आप जैसे देवता की ऐसी हालत देखकर किसके आंसू नहीं निकल आएंगे। मगर भगवान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? बोले भगवान, तूने ऐसे क्यों किया? क्या बिगाड़ा था गोविंद बाबू ने तेरा? क्या यही तेरा न्याय है? ऐसा करने से पहले मेरी ही पाँव ले लिए होते। बोल, चुप क्यों है? जवाब दे। तू क्या जवाब देगा? पत्थर ने कभी जवाब दिया है? तू कुछ नहीं कर सकता तो मैं तेरे सामने अपने पाँव काट देती हूँ। राधा बेटी, छोड़ दो मुझे बाबा, छोड़ दो। नहीं बेटी नहीं, इतना तो सोच, क्या तेरे अपने पाँव काट लेने से गोविंद के पाँव ठीक हो जाएंगे? तो फिर तू भी बता बाबा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? बेटी, जिस भगवान के ऊपर से तेरा विश्वास उठ गया है उस पर विश्वास रख। ये सबकी सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। इनके यहां देर अंधेर नहीं। Oink, 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 oink.
मिठू, तू ही तो मेरा दुख जानता है। आज कितने दिनों के बाद उन्हें देखा है, एक बार फिर उनका नाम ले ले। कोई कोई मेरे मिठू। हरिओम। बाके दादू बनकर मुझे चकमा देने चली थी। चला जा यहाँ से बाके, नहीं तो शोर मचा दूंगी। बेवकूफ, बाके सोच समझ कर तीर चलाता है। मंदिर के आसपास सन्नाटा छाया हुआ है। शादी के दिन तू भाग गई थी, लेकिन आज आज मैं शादी और सुहागरात दोनों होना। कमीने, मेरी ये हिम्मत मुझ पर हाथ उठाए। पढ़ के बाद देखा नाथ का रंग। अब तू मेरा रंग देख। कहाँ चली? आप कौन बचाता है? राधे गोविंद, राधे गोविंद। इंसान से अच्छा तो ये पक्षी निकला, अपनी जान दे दी और एक गरीब की इज्जत बचा ली। भैया हमारे राजा बेटा, डॉक्टर साहब ने कहा है तो जल्दी ही चलने फिरने के लायक हो जाएगा। बस फिर तुरंत ही रीटा को बहू बना कर ले आऊंगी। माँ जी, राय साहब दयाल सिंह जी आए हैं? नहीं माँ जी। तो क्या संदेशा भेजा है? नहीं माँ जी। फिर? वो रीटा की शादी कर रहे हैं। क्या, रीटा की शादी? हाँ, और शादी भी आज ही। ये क्या नाटक है? मंगने मेरे बेटे के साथ और शादी किसी और से, यही है एक बड़े आदमी के वचन? इतनी जल्दी आपकी इंसानियत रंग बदल गई? वक्त के साथ जमाना भी रंग बदलता है। मैं अपनी लाडली बेटी को अपने हाथों कुएं में नहीं धकेल सकता। राय साहब, शोर मचाने से अच्छा है कि आप होश की बातें करें। आज आपका लड़का वो खूबसूरत नौजवान नहीं है जिसे मैंने दामाद बनाना चाहा था। अब वो एक अपाहिज है और ऐसे लूले लंगड़े से मैं शादी हार। राय साहब, ऐसा कह के एक माँ के दिल को और ठेस न पहुंचाइए। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप हाँ कह दीजिए, मैं अभी गोविंद को दूल्हा बना कर ले आऊंगी। गोविंद और दूल्हा? जिस खानदान ने आज तक किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाया, आज उसी खानदान की औरत आपसे रीता की भीख मांग रही है। राय साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पांव पड़ती हूँ। राय साहब, मैं मजबूर हूँ। मजबूर? बेटी रीता, तू तो
मजबूर नहीं है। अपने पिता से कह दे मैं गोविंद को ही प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। बोल, जवाब दे। जो मेरे डैडी का जवाब है वही मेरा जवाब है। रीता, नहीं नहीं रीता, मैंने तुझ में अपने सपनों की राधा को देखा है। ये आपकी गलती थी। अच्छा, अब आप और बदसुगनी मत कीजिए। घर पर बारात आने वाली है, आप यहाँ से चली जाइए। हाँ चले जाते हैं। माँ जी, आप भी किन भीखमंगों के सामने भीख मांगने आई हैं? यहाँ इंसान नहीं है, बंद रहते हैं। रामू रामू जो कहता है डंके की चोट पे कहता रहा है साहब। आपकी रीता 7 जन्म भी मेरे गोविंद भैया के पांव की धूल नहीं बन सकती है। चलिए माँ जी यहाँ से जाइए। चलिए अरे लाला रतनलाल जी, राधे श्याम जी, बरात आ गई। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी मुझे ये सजा मिली? माँ, पाप करने के बाद भी भगवान से पूछती हो तुमने कौन सा पाप किया? गोविंद, कुदरत का यही करिश्मा है, एक हाथ दो एक हाथ लो। दौलत की झूठी चमक रीटा को राधा कैसे बना सकती? धूल में पड़े मोती को तुमने मोती न समझा माँ, यह उसी का फल है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, सचमुच मैं अंधी हो गई थी। आज भगवान ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी गांव जाकर राधा को बहू बनाकर लाऊंगी। जब इंसान मझधार में होता है तभी उसे किनारे की कीमत मालूम। मुझा बाहिज को उस गरीब के गले में बांधकर तुम दूसरा पाप करने जा रही हो माँ। पाप नहीं बेटा, पाप का प्रायश्चित करने जा रही हूँ। जब तक राधा को बहू बनाकर अपने घर न ले आऊंगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अपनी आत्मा की शांति के लिए उस बेचारी की जिंदगी न बर्बाद करो माँ, उस बेचारी की जिंदगी न बर्बाद करो। गोविंद गोविंद, भगवान अब मैं क्या करूँ? प्यार तो हम प्यार के काबिल न रहे, मिला जो प्यार तो हम प्यार के काबिल न रहे। फिजा में पल के हम बहार के काबिल न रहे। गए जो डूब किनारों से उनका नाता क्या, गए जो डूब किनारों से उनका नाता क्या। उजड़ गए जो बहारों से उनका नाता क्या। तुम तो एक फूल हो हम हार के काबिल न रहे, मिला जो प्यार तो हम प्यार के काबिल न रहे। फिजा में पल के हम बहार के काबिल न रहे। Thank you.
हमें मिटा दो के हम जिंदगी से हारे हैं, हमें मिटा दो के हम जिंदगी से हारे हैं, हमें भुला दो के हम टूटे हुए तारे हैं। वफादार मगर यार के काबिल न रहे, मिला जो प्यार तो हम प्यार के काबिल न रहे, फिजा में पल के हम बहार के काबिल न रहे। मां जी, राधा तो गोविंद बाबू का अपना सर्वस्व मान चुकी थी, वो किसी और को कैसे अपनाती। राधा अब मैं तुम्हें कहां ढूंढूं। राधा बहन यहां, अभी मां जी को बताता हूं। रामू, तुमने राधा की खबर सुनाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया। उपकार नहीं, परोपकार। देखो मुनिम जी, बहू के स्वागत में कोई कमी न रहने पाए। आप बिल्कुल चिंता न करें माँ जी। मैं अपने पाप का प्रायश्चित करने जा रही हूँ, इस घर की खुशी लेने जा रही हूँ। बेटा गोविंद, तूने हमेशा मेरी बात मानी है, आज भी मान जा बेटा। इसके बाद मैं तुझसे कभी कुछ नहीं कहूंगी, कभी कुछ नहीं कहूंगी मेरे लाल, कभी कुछ नहीं कहूंगी। अच्छा बेटी, मैं काम पर चलता हूँ। माधव, माधव भैया, मालकिन आप इस गरीब के दरवाजे पर आइए। आइए उस दिन मैंने तुम्हारी बात ठुकरा दी, तुम्हें कितना बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दो माधव भैया, मुझे माफ। मालकिन ये क्या कर रहे हैं मालकिन, हम गरीब तो आपके चरणों की धूल हैं। ये धूल तो मेरे माथे का चंदन बन चुकी है माधव, मैं राधा को बहू के रूप में लेने आई हूँ। मैं तुमसे आंचल पसार कर राधा की भीख मांगती हूँ माधव। हाँ कह दो, हाँ कह दो माधव, हाँ कह दो। मालकन, मुझ में इनकार करने की इतनी हिम्मत करो माधव भैया। राधा तो गोविंद बाबू की है, वो उन्हीं की है। माधव भैया, मैंने आज सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया। राधा कहाँ है? राधा, राधा देख बेटी, मालकन तेरी मांग में सुहाग सिंदूर भरने आएंगे। आ बेटा, आ। बेटी मुझसे अभी भी नाराज है, अपनी माँ को माफ नहीं करेगी। अरे मुनीम जी, कहाँ हैं आप? राधा बहन आ गई। मुनीम जी, राधा बिटिया आ गई। अरे सौभाग्यवती हो, मुनीम जी गोविंद कहाँ हैं? अभी अभी तो यहीं थे, अपने कमरे में होंगे। रोटने का बहाना करके बैठा होगा। जा बेटा, मना ले उसे। जाना बाबूजी, आपकी राधा आपसे मिलने आ गई।
मैंने आपको बहुत दुख दिया है ना, लेकिन अब दुख के दिन बीत गए। बाबूजी मेरी राधा, माँ तुम्हें बहू के रूप में ला रही, लेकिन तुम्हारा गोविंद अब वो गोविंद नहीं जो तुम्हारे सपनों में बसा हुआ है। मैं अब एक अपाहिज हूं, लूला लंगड़ा हूं। मैं तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं हमेशा के लिए। मुझे माफ कर देना, तुम्हारा गोविंद। बाबूजी मुझे छोड़कर चले गए। चला गए, हमने उन्हें कहा ढूंढते भगवान। बाबूजी उस दिन तुम मुझसे बच गई थी, लेकिन आज इस पंजे से बचकर कहां जाएगी? मुझे छोड़ दे बाकी, मुझे बाबूजी के पास जाने दे, वो मुझसे बहुत दूर जा रहे हैं। अरे जाने वाले के साथ क्या रिश्ता, जो सामने खड़ा है उसके गले लग जा। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे बाबूजी। और चिल्ला, जहां इन पहाड़ों के सिवाय तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। मुझे उपदेश देने चला है। बिरजू को भाई बनाकर बचना चाहती थी। राधा बहुत कर पाया है तूने, आज मैं अपनी प्यास बुझा के रहूंगा। अच्छा हुआ तुम लोग, आज मैं अपने प्यार के दुश्मन का खात्मा कर दूंगा। तेरा बालू तो मौत की घाटी की तरह।
राधा को मेरे हवाले कर दो। नहीं, ये नहीं होगा। गोविंद की मां, राधा को मुझे सौंप दो, नहीं तो बाकी ये धमकी किसी और को दे। मेरे जीते जी तू मेरी बहू को हाथ तक नहीं लगा सकता। मैं पहले तेरे खून से हाथ रंग के रहूंगा। मुझे जरा सी देर हो गई, नहीं तो मैं भी दो दो हाथ कर लेता। माँ जी, अब देर किस बात की, चलिए गाँव और बजने दीजिए शादी की शहनाई। राधा गोविंद की जोड़ी बनी रहे, सदा फलो फूलो मेरे बच्चों। ये क्या मनीम जी, खुद ही देख लो ना माँ जी। राधे रानी,
मेरे प्रभु गोविंद की राधे रानी। भगवान आपने मेरी सुनी, मैं और अपना वचन पूरा कर रही हूँ। प्रीति की डोरी प्रीति की डोरी है।